सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 7:04 और आज है 9 मार्च और आज हम जा रहे हैं घर वापस। सो शाम की ट्रेन है, मुझे टाइमिंग नहीं पता कितने बजे की है, बट शाम की ट्रेन है इतना पता बस। सो कल सुबह हम 10, 10:30 या 11 बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि इस बार भी भाई 1.5 घंटा ट्रेन लेट थी, वहाँ क्या पता कितनी लेट होगी। सो फिलहाल अभी करुण और कवित नीचे है तो हम भी नीचे चलते हैं। सो गाइज, अभी हो रहे हैं 11:22 और मैं और मम्मी पापा हम जा रहे हैं अपने रिलेटिव्स के घर। मजा आ गया ना? हाँ। मजा आया ना? अभी आप शाम को जा रहे हो? हाँ शाम को तो मैं जा रहा हूँ। अरे ब्लॉग कब आएगा नाचने वाला? कल आ जाएगा। सो गाइज, अभी मैं घर पे आ गया और अभी फोन चार्जिंग में लगा देते हैं, क्योंकि फोन में वैसे बैटरी तो अभी 68 है, पर अभी मेरे को जाना भी है घर वापस, मतलब सो बैटरी तो होनी चाहिए, तो चार्जिंग में लगा देते हैं। सो गाइज, वी आर गोइंग फ्रॉम हियर। मेरे घर में आते नहीं है लोग, मेरे को सारे बोलते आओ आओ, तुम भी आ जाए करो मुंह उठा के। मैं भी मुंह उठा के ऐसा, तुम भी आ जाना। पर यहाँ पर मेट्रो चल पड़ी है, पहले नहीं थी जब मैं आया था पहले के टाइम में, आते टाइम दिखाना था पर मेट्रो निकल चुकी थी तब, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, पर अब जाते टाइम दिखा रहा हूँ मैं। फिलहाल अभी हम पहुँच गए और जा रहे हैं अंदर की तरफ, मामा और क्या बोलते मामी भी आए हैं छोड़ने, तो वो आई थिंक पहले अंदर है क्योंकि स्कूटी में आए थे ना। सो अभी बस यहाँ पर हम पहुँचे ही हैं, पीछे देखो कितना सही झंडा लगा दिया, कितना सुंदर लग रहा है, देखो हवा चल रही है यहाँ पर, काफ़ी सही सा हुआ मौसम और झंडा आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अभी अंदर की तरफ चलते हैं, मुंह काला आ गया मेरे। सो गाइज, अभी 5:25 हो रहे हैं और 6:05 पे ट्रेन आएगी
और हमने नाना नानी को मना किया था कि मत आना, क्योंकि नानी से ना ज़्यादा चढ़ा नहीं जाता, तो ये ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इसलिए मना किया था। पर नानी रह जिद्दी, मतलब रहे नहीं, सही नानी ठहरे जिद्दी। तो क्या बोलते हैं, अभी कॉल आया, बताया कहते क्या नाम दूसरे बड़े मामियों ने बताया कि कहते वो भी आ रहे हैं, अब देखते हैं। वैसे मना किया था क्योंकि यार यहाँ पर ना एक तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, तो बहुत टाइम में ऐसे ना चढ़ने मुश्किल होगा उनको, उनसे चढ़ा नहीं जाता। अब जिद बच्चों की तरह जिद करते हैं बूढ़े लोग, सही में। तुम भी आ गए छोड़ने में? क्यों आए? तू क्यों आया? ये देखो ये जिद्दी बच्चे, इतने बूढ़े हो गए फिर भी बच्चे वाली हरकतें, जबरदस्ती आ गए। सो गाइस ट्रेन आ चुकी है और हम सारे रेडी हैं, अभी काफ़ी आगे जाना है इसलिए आराम से, कह रहे जल्दबाजी नहीं करना, आराम आराम से करो बस जाने दो भाई। ठीक सुबह जब हम ट्रेन पे चढ़े थे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत मतलब इतनी भीड़ हो गई थी, काफ़ी लोग लड़ने लगे थे आपस में। सो अभी 7:21 हो रहे हैं, थोड़ी देर में भी खाना खा के मैं एडिटिंग कर रहा हूँ बस, मैं आज का अपना ब्लॉग खत्म कर दी क्योंकि बाहर में घेरा हो चुका है पूरा, फिर कल सुबह से अपना फिर से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको किसी में इंटरेस्टिंग वीडियोस और ब्लॉग्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अपने किसी न्यू और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।